एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़े। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको कुछ इसी तरह से व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और एंड में आप भी अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको इस तरह की वीडियो कैसे एडिट कर लेना है। और इसके अलावा गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं आपके लिए हमेशा इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। अब चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह की वीडियो एडिट कर लेने के लिए गाइस, आपको एवी प्लेयर के प्रो ऐप की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास वो नहीं है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। और इसके बाद गाइस, आपको एवी प्लेयर को ओपन कर लेना। अब जैसे आप इसे ओपन करेंगे, आपके सामने आपकी पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी कुछ इस टाइप से आ जाती है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको यहाँ से अपनी कोई भी एक म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेना है, जिसे आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाना चाहते हैं। और इसके बाद गाइस, आपको साइड में एक थ्री लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस थ्री लाइन वाले ऑप्शन में भी क्लिक कर लेना है। अब नीचे आपको तीसरे नंबर में एक विजुअलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस विजुअलाइजर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद गाइस, आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप से आ जाता है। अब सबसे पहले तो गाइस, आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट लगा लेना होगा। तो टेम्पलेट लगा लेने के लिए आपको ऊपर एक बॉक्स का आइकन मिल जाता है, तो आपको इस बॉक्स वाले आइकन में क्लिक कर लेना है। और इसके बाद गाइस, नीचे आपको एक लोड फ्रॉम फाइल का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस लोड फ्रॉम फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। अब गाइस, आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन हो जाता है। तो गाइस, आपको यहाँ से एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है, और जिस टेम्पलेट का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद गाइस, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब गाइस, आपको लास्ट में एक बॉक्स मिल जाता है, तो आपको इस बॉक्स वाले आइकन में क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से गाइस, आपका टेम्पलेट यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। अब गाइस, आपको इस टेम्पलेट में कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए आपको ऊपर एक पेंसिल का आइकन मिल जाता है, तो आपको इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर लेना है। और इसके बाद आपको तीसरे नंबर में एक इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस इमेज वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। और इसके बाद फिर से साइड में आपको एक इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस इमेज वाले ऑप्शन में भी क्लिक कर लेना है। अब गाइस, नीचे आपको एक कस्टम इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस कस्टम इमेज वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आपको एक पिक इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ भी क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद गाइस, आपको यहाँ से अपनी कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, जिसे आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस में लगाना चाहते हैं। तो चलिए, मैं भी यहाँ से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इमेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद गाइस, आपको यहां से बैक आ जाना होगा, और इसके बाद आपको नीचे एक फ्रेम का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस फ्रेम वाले ऑप्शन में भी क्लिक कर लेना है। और इसके बाद ऊपर आपको एक जनरल का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहां क्लिक कर लेना है। अब गाइस, आपको यहां पर एक विजुअल का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहां टिक कर देना होगा। अब इसके बाद गाइस, आपको यहां से बैक आ जाना है, और इसके बाद नीचे आपको एक ब्लर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस ब्लर इफेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर से आपको इसके जनरल वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा। अब गाइस, आपको फिर से इसके विजुअल के ऑप्शन में टिक कर देना है। अब फिर से गाइस, आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और इसके बाद गाइस, आपको फिर से नीचे एक इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस इमेज वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा। अब गाइस, आपको यहाँ पर एक पोजीशन का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और इसके बाद गाइस, आपको इस टैक्स को यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है। तो चलिए, मैं अभी इसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, और इस तरह से गाइस, आपकी वीडियो तैयार हो जाती है। अब चलिए, मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसे बनी है।